नमस्कार बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। मानसून सत्र का दूसरा दिन चल रहा है और जिस तरीके से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक संघ के लोग हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, लाठी भी चार्ज हुआ है। जिस तरीके से लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर आज बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक मौजूदा सरकार को गिरा नहीं देंगे तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 13 तारीख को विधानसभा मार्च करेंगे और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बीजेपी उतरेगी और कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो अपराधियों के साथ लिप्त है, भ्रष्टाचारियों का सरकार है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नवल किशोर यादव इस वीडियो में। शिक्षकों के साथ जो घोर अत्याचार किया है और उनकी नियुक्ति में जो कहते थे कि हम 10 लाख नियुक्ति करेंगे वो 10 भी नियुक्ति नहीं कर सके और आज जब शिक्षक अपनी मांगों को लेके आ रहे हैं तो उनको जगह पटना से लेके पूरे राज्य में जहां से शिक्षक निकल रहे हैं पुलिस या तो उनको घर से अरेस्ट कर रही है या फिर रास्ते में अरेस्ट कर रही है, पुलिस बल का प्रयोग कर रही है। ये इमरजेंसी वाले कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो अपने आप को नेतृत्व सीधा किया था वह सब एक मिलके ये लालू और नीतीश की पार्टी और तमाम जितने उनके साथ इलाज पार्टी है आज इमरजेंसी के तरह लोकतांत्रिक आचरण को कूचने का प्रयास कर रहे हैं। इस राज्य में चाहे किसान हो, नौजवान हो, इस राज्य में शिक्षक हो, किसी को अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार है। इसलिए इसी के विरुद्ध में 13 तारीख को 12 बजे, 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में पटना के गांधी मैदान में तमाम राज्य के नौजवान, किसान और शिक्षक, तमाम शिक्षक साथी और अभ्यर्थी, तमाम लोग उपस्थित होंगे और इस सरकार के खिलाफ विधानमंडल के घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस सरकार को शिकस्त देंगे। इस सरकार को तब तक नहीं बख्शेंगे जब तक यह सरकार यहाँ से हट नहीं जाए या अपने विवेक में परिवर्तन न कर ले। यह सरकार सिर्फ अपराधियों की सरकार है, ये सरकार रिश्वतखोरों की सरकार है, ये सरकार न किसान को समझता है, न नौजवान को समझता है, न शिक्षक को समझता है। इसके खिलाफ 13 तारीख को आग्रह करते हैं बिहार के तमाम नौजवानों से, किसानों से और खास करके शिक्षक साथियों से जिनके ऊपर आज अत्याचार कर रही है पुलिस, घर से निकलने नहीं दे रही और घर से निकलने पर रास्ते में बल का प्रयोग कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ उपस्थित होने के लिए 13 तारीख को आग्रह करने आए हैं। यही बात लेकर आप तमाम साथियों के साथ आए हैं। नौकरी तो पक्का हो जाए उसी के लड़ाई को हम लोगों ने दोनों सदनों में विधानमंडल में सत्र को नहीं चलने दिया है, समर्पित किया और फिर 2:30 बजे से जा रहे हैं उन्हीं के मांगों को लेकर लड़ने जा रहे हैं। पहले उनकी नौकरी पक्की हो जाए, पहले बिहार के लड़कों का नियुक्ति हो जाए। ये तरह तरह के भाव बदलते रहते हैं, कभी सीटेज और एसटीपी के नाम पर वो बहाली करना चाहते हैं, कभी बीपीएससी में ले जाना चाहते हैं, कभी दोषाइल पर कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, कभी नियोजित शिक्षकों को छोड़ के उनको परीक्षा देने के लिए कहते हैं जो 25 साल और 20 साल से नौकरी किया। इन सवालों को पहले मुस्तैदी से हल हो जाने दीजिए। चलिए और कोई सवाल, पटना उसी पूरा क्या पूरा भरा रहेगा सर, क्या रहेगा? निश्चित रूप से उस दिन इस सरकार को बता देना है, बिहार के नौजवान, किसान और शिक्षक बता देंगे ये तुम्हारा आतंकी नीति जो सप्रेस करने की बात सोचते हो ये नहीं चलेगा। इस देश में और इस राज्य में लोकतंत्र है, संवैधानिक दायरे में जो लोकतंत्र में हमको विरोध करने का अधिकार है, अपनी बातों को कहने का अधिकार है, वो रहेगा, ये सिद्ध कर देंगे। तो आपने सुना बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने आज साफ तौर पे कह दिया है कि जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं अपराधियों से लिप्त है, भ्रष्टाचारियों का सरकार है और इस सरकार को जब तक गिरा नहीं देंगे हम लोग दम नहीं लेंगे। बीजेपी आने वाले 13 तारीख को विधानसभा मार्च करेगी और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ विधानसभा में जाएगी और उनकी आवाज़ों को बुलंद करेगी और मौजूदा सरकार जो है केवल क्राइम, भ्रष्टाचार से लिप्त है, उसको लेकर नवल किशोर यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार की सरकार
को जब तक बीजेपी नहीं गिरा देती है तब तक दम नहीं लेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।